आज हम सीखेंगे ज्यामिति से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाएं। अब हमें कोण का माप लेना आ गया है, तो अब हम इसके उपयोग से कोण के विभिन्न प्रकार समझेंगे। यहाँ एक घड़ी दर्शाई गई है जिसमें एक सुई 12 पर है और दूसरी सुई 3 पर है। अगर हम इन दोनों सुइयों में कोण का माप लेंगे तो हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। अगर किसी कोण का माप 90 डिग्री होगा तो इसे हम एक समकोण यानी राइट एंगल कहते हैं। अगर आप दिशाओं के बारे में ठीक रूप से जानते होंगे तो आपको यह समझना कठिन नहीं कि पूर्व और उत्तर दिशा एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण यानी समकोण बनाती है। इसी प्रकार उत्तर और पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण, दक्षिण और पूर्व इत्यादि दिशाएं भी एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण यानी समकोण बनाती है। किसी एक आयत यानी रेक्टेंगल के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। क्या आयत के सभी कोण समकोण होते हैं, स्वयं पता करने की कोशिश कीजिए। अब मान लीजिए हम 12 पर स्थित सुई को सरकाते हुए 1 पर ले जाते हैं, तो अब एक सुई 3 पर है और दूसरी 1 पर है। सोचिए क्या दोनों सुइयों में बनने वाला कोण समकोण है। बिल्कुल सही, यह कोण समकोण से छोटा है। अगर किसी कोण का माप 90 डिग्री से छोटा हो तो वह कोण समकोण से छोटा होता है। ऐसे कोण को हम न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर केक के इस टुकड़े में यहाँ न्यून कोण बन रहा है। इसी तरह आप न्यून कोण दर्शाई गई स्थितियों में भी देख सकते हैं। अब आप स्वयं ज्ञात करने की कोशिश कीजिए कि जब आप किसी पेड़ के उच्चतम भाग या इमारत की छत को देखते हैं तो आप कौन सा कोण बनाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयाँ एक रेखा में हैं। ऐसे स्थिति में अगर हम दोनों सुइयों में कोण का माप लेंगे तो हमें माप प्राप्त होगा 180 डिग्री। ऐसे कोण को हम एक ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या हम ऋजु कोण और समकोण में कोई संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं, प्रयास कीजिए। आपने बिल्कुल सही सोचा, एक ऋजु कोण समकोण के दो गुना होता है। हम ऋजु कोण कई स्थितियों में देखते हैं, इनमें से कुछ स्थितियां इस प्रकार है। अब यहाँ देखिए, यहाँ घड़ी की सुइयां समकोण से अधिक लेकिन ऋजु कोण से छोटा कोण बना रही है। ऐसे कोण को हम अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। अधिक कोण के कुछ और उदाहरण इस प्रकार है। वीडियो रोककर इन पर विचार करें। अब मान लीजिए घड़ी की दोनों सुइयां एक स्थान पर है। इनमें से एक सुई हम उसी स्थान पर रखकर दूसरी सुई को घुमाते हुए अगर हम एक पूर्ण चक्कर लगाते हैं तो एक पूरा चक्कर एक घूर्णन यानी रिवॉल्यूशन कहलाता है। एक घूर्णन का कोण एक संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल कहलाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक पूरा चक्कर लगाने के लिए सुई 12 से 6 पर आती है यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाती है। इसी प्रकार वो फिर से 6 से 12 पर आती है यानी कि फिर से 180 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण घूर्णन के दौरान 180 डिग्री धन 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक संपूर्ण कोण का माप 360 डिग्री होता है। इसी कारण से हम कहते हैं कि एक वृत्त 360 डिग्री कोण दर्शाता है। अगर एक वृत्त 360 डिग्री कोण दर्शाता है तो ज्ञात कीजिए आधा वृत्त और आधे से आधा वृत्त कौन से कोण व्यक्त करते हैं। इसे प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ दर्शाया गया कोण एक ऋजु कोण से बड़ा है लेकिन एक संपूर्ण कोण से छोटा है। ऐसे कोण को हम एक प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण की कुछ स्थितियां इस प्रकार है। तो अब आपको कोण के विभिन्न प्रकार ठीक से समझ गए होंगे। इसी के साथ अब हम कोण से जुड़ी एक और अवधारणा को समझेंगे। मान लीजिए दो रेखाएं एक दूसरी को 90 डिग्री कोण में प्रतिच्छेद करती है। ऐसी रेखाएं एक दूसरे की लंब रेखाएं यानी परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती है। इसे हम इस प्रकार लिखते हैं और पढ़ते हैं, रेखा AB रेखा PQ पर लंब है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है।
मान लीजिए एक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट AB रेखाखंड PQ पर लंब तो है, साथ ही साथ यह रेखाखंड PQ को दो बराबर भागों में भी विभाजित कर रहा है। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं कि रेखाखंड AB रेखाखंड PQ का लंब समद्विय भाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस प्रकार आज हमने सीखा ज्यामिति से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाएं। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे।